हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो भी एक DIY है एंड इस DIY में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे घर के कुछ नेचुरल चीज़ों से ही अपने फेस को ग्लोई बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लिंजर बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है आटा, टमेटो जूस, हनी एंड डबल गुलावरी। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। हम 1 teaspoon हनी देंगे यहाँ पे। टमेटो जूस को मिलाएंगे। थोड़ी सी डबल गुलावरी ऐड कर दी। गुलाब जल आपको थिकनेस की रिक्वायरमेंट से लेनी होगी। आपको अगर लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा बन गया है तो और भी गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया तो हमारा क्लिंजर रेडी है। अब इसको फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो मैं मेरी फेस पे क्लिंजर अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। इसके बाद मैं अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी। से 7 मिनट तक मसाज करने के बाद मैं अपने फेस को धो लूँगी अच्छी तरीके से। एंड आप देख सकते हैं सिर्फ क्लिंजर से ही मेरी स्किन कितनी क्लियर एंड फ्रेश दिख रही है। तो स्क्रबर बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है मसूर दाल। मैंने इसको ग्राइंडर में फाइनली ग्राइंड कर ली है। रॉ मिल्क, थोड़ी सी हल्दी एंड डबल ग्लावल। तो सारे चीज़ों को आप एक साथ अच्छी तरीके से मिला लीजिए। 1/2 teaspoon आपको हल्दी मिलाना है इसमें। रॉ मिल्क आप थिकनेस के हिसाब से लीजिए। मैं यहाँ पे 4 teaspoon ऐड करेंगी फर्स्ट। तो स्क्रबर इज रेडी। तो मैं इस स्क्रबर को एक टमेटो की हेल्प से लगाऊंगी अपने स्किन पे। मैंने आधा टमेटो लिया है और ये मैं स्क्रबर में टिप कर लूँगी इसी तरह से। तो
मैं नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। स्क्रबर को मैं अपनी लिप पे भी रब कर लूँगी कि क्योंकि ये तो नेचुरल है, ये हमारे लिप के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। हमें महीने में एक आध बार लिप को एक्सफोलिएट करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं फेस स्टीमिंग के लिए गर्म पानी ली हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं करूँगी स्टीमिंग प्रोसेस एक टॉवल की मदद से। पाँच मिनट स्टीम लेने के बाद मैं अपने फेस को और नेक को अच्छी तरीके से थोड़ी देर रब कर लूँगी। तो थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है एलोवेरा जेल, हनी, हल्दी पाउडर एंड थोड़ी सी रॉ मिल्क। तो हम अब सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो रॉ मिल्क में हम अराउंड 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी एंड वन टी स्पून हनी। एंड मिक्स इट वेल। हमारा मसाज क्रीम भी रेडी हो गया है। एंड ये मसाज क्रीम मैं अपनी फेस पे अप्लाई कर लूंगी एंड हल्के हाथों से मसाज कर लूंगी। तो 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद मैं ये मसाज क्रीम को अपने फेस पे ही रहने दूंगी एंड इसके ऊपर ही मैं फेस पैक लगाऊंगी, इसको धोना नहीं है। तो फाइनल एंड लास्ट स्टेप के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक एग वाइट ली है, थोड़ी सी सैंडलवुड पाउडर एंड नींबू। तो मैं ये सैंडलवुड पाउडर में एग वाइट को डाल दूँगी एंड थोड़ी सी नींबू का रस भी ऐड कर दूँगी। दैट्स ऑल। एंड द पैक इज रेडी। तो अभी ये फेस पैक मैं अपने हाथों से अपने चेहरे पे लगा लूँगी।
अगर आप चाहें तो ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। आफ्टर 15 to 20 minutes मैं अपने फेस को धो लूँगी। तो 20 minutes हो गया एंड मेरा फेस पैक भी धोने के लिए रेडी है, तो मैं अभी फेस को वॉश करके आती हूँ। ये प्रोसेस एकदम नेचुरल है, तो आप इसे महीने में 2 बार भी कर सकते हैं। तो अभी मैं लूँगी एक आइस क्यूब एंड इसे मैं फेस पे मसाज करूँगी अच्छी तरीके से। एंड आइस क्यूब से मसाज से हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है एंड हमारी स्किन जो है बहुत ही फ्रेश फील करता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।